मुख्यमंत्री वह शगुन योजना 2022 हरियाणा सरकार दे रही गरीब परिवार की बेटियों को शादी पर 71,000 रुपए। लाभ लेने के लिए ऐसे करें इस योजना में आवेदन। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना 2022 हरियाणा सरकार दे रही गरीब परिवार की बेटियों को शादी पर 71,000 रुपए। लाभ लेने के लिए ऐसे करें इस योजना में आवेदन। हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिकट न्यूज में। चंडीगढ़ मुख्यमंत्री वह शगुन योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, जिसको अब बढ़ाकर 71,000 रुपए कर दिया गया है। इस मुख्यमंत्री वह शगुन योजना को हरियाणा कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत राज्य की सभी वर्गों की लड़कियों को शादी के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना 2022 इस योजना का शुभारंभ अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। वह शगुन योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई धनराशि। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टपरी वास समुदाय की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की कन्याओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना और कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। सरकार द्वारा पात्र नागरिकों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति और टपरोवास समुदाय परिवारों को कन्यादान के रूप में 51,000 रुपए की जगह 71,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना के लिए महत्वपूर्ण शर्तें। आवेदक श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है। संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आवेदक द्वारा ये घोषणा की जाएगी कि उसने ये सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त नहीं की है। इस योजना के लाभार्थी को यह भी घोषणा करना अनिवार्य होगा कि वह 6 माह की अवधि में विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। यह प्रमाण पत्र सहायक निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना के पात्रता। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। कोई विधवा तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वो महिला भी इस मुख्यमंत्री वह शगुन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति की परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए। हरियाणा राज्य में केवल एक परिवार की 2 लड़कियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। कोई विधवा अथवा तलाकशुदा महिला इस योजना के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र, तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासवर्ड साइज फोटो। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा करना होगा। इसके बाद ही आप CSC सेंटर पर जाकर इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना का आवेदन फॉर्म। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदन फॉर्म आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा इस योजना के अधिकारी वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना के अधिकारी वेबसाइट है http://haryana-scbc.gov.in। इसके बाद हरियाणा शादी शगुन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। मुख्यमंत्री वह शगुन योजना हरियाणा 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।